इसके लिए यहाँ पे मैंने पालक लिया है। पालक को मैंने अच्छे से धो के काट लिया है, अच्छे से साफ कर लिया है। आधा कटोरी राहर दाल, आधा कटोरी मसूर दाल, 3 टमाटर जिसे मैंने चौकोन टुकड़ों में काट लिया है, 1 छोटी चम्मच राई के दाने, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और कुकिंग ऑयल। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। ये रही पहली गिलास, और यहाँ पे आधा गिलास, और हम इसमें पानी ऐड करके इसे अच्छे से 2 सीटी आने तक कुकर में पका लेंगे। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल लेंगे, और यहाँ पे मैंने जो टमाटर काट के रखे थे उसे भी हम इसमें डाल के अच्छे से बॉईल कर लेंगे। हम यहाँ पे पालक दाल बना रहे हैं इसलिए हम दाल में ही टमाटर को ऐड कर लेंगे, और इसे हम 2 सीटी आने तक अच्छे से कुकर पे पका लेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी पहली सीटी आने वाली है। मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम ही रखा है। ये रही पहली सीटी। दूसरी सीटी। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी जो कुकर है वो ठंडी हो चुकी है। अब हम इसका ढक्कन खोल के देखेंगे हमारी जो दाल है वो पकी है नहीं। यहाँ पे मैंने कुकर का ढक्कन खोल दिया है। अब देख सकते हैं हमारे दाल और टमाटर कितने अच्छे से पक चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब हम चलिए अगले प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने गैस पे एक कढ़ाई को बैठा दिया है और इसे मीडियम फ्लेम में रखा है, और जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड कर दिया है, और जब हमारी जो ऑयल है वो गर्म हो जाए तो इसमें हम हमारी जो लहसुन की कलियाँ हैं 5 से 6 उसे क्रश कर लिया है, और 2 लाल मिर्च उसे डाल सकते हैं। आप लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब हम इसमें हमारी जो लहसुन की कलियाँ हैं और लाल मिर्च है उसे डाल लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़े से जो हमारे राई के दाने हैं इसे भी डाल लूँगी और इसे थोड़ा सा भून लूँगी। अब हम इसमें पालक ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे पालक को डाल दिए हैं। अब हम इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लें। अब आप देख सकते हैं हमारे जो पालक है वो गलने स्टार्ट हो गए हैं, इतने अच्छे से गल रहे हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे पालक में। पालक को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गलने के लिए। देख सकते हैं आप ये कितनी जल्दी गलना स्टार्ट हो चुका है। इसे हम थोड़ा सा बस पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना बस, तो ऑलरेडी पक ही चुका है। इसे थोड़ा सा जो इसका पानी है इसे हम बस थोड़ा सा पका लेंगे, और जो पानी है ये हमारा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसे थोड़ा सा गैस पे हम 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये जो पानी है ये निकल जाए। अब आप देख सकते हैं हमारी जो पालक है पूरी तरह से गल चुकी है। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने पालक में दाल को ऐड कर दिया है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा रहा, पालक कितने अच्छे दिख रहे हैं। बस हमें इसे एक मीडियम फ्लेम पे 1 बॉईल आने तक बस इसे थोड़ा सा पका लेना है। हमारी जो दाल पालक दाल है वो बिल्कुल रेडी है। देखिए मैं 1 बॉईल आने तक छोड़ दूँगी। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम यहाँ पे ऑफ कर देंगे और इसे एक बाउल पे निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो हमारी पालक दाल है उसे 1 बाउल पे निकाल लिया है। देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है देखने में इसे खाने, इसलिए आप रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारी जो दाल फ्राई है पालक दाल वो रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।